पल्लू, 7:20 हो गए बेटा, देर हो गई। अरे देवा, इन सब चक्करों में अवार्ड फंक्शन के बारे में तो भूल ही गई। पल्लू तू जा, मैं हूं ना, जा। मगर आए मंदार है। देख पल्लू, डॉक्टर रम्या भी ये है, तू जा। हाँ। इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए हमें राघव राव को अवार्ड देने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मंदार में ना कमाल का आदमी है, पट्ठा ने दिल जीत ले मेरा। तब तक एक्सक्यूज मी राघव। ये चल क्या रहा है? क्या कर रहा है अंदर? अवार्ड फंक्शन चल रहा है और तू बाहर आ गया। मैं आने के लिए मना किया ना अम्मा, पर तुम सुना, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मैं इधर आया अम्मा। लेकिन बेटा पल्लवी मेरे से बोला है। वो आया इधर, तो ट्रैफिक में फंस गया होगा, उसने मुझसे वादा किया कि वो आएगा। अम्मा, मेरे को मालूम है वो इधर नहीं आएगा। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी वहीं से बात करता हूँ। पल्लवी जरूर ट्रैफिक में अटक गई होगी। तू अभी अंदर चल, आ जा। डॉक्टर मैं बोल रहा है ना, अंदर चल। हाँ मिलिन, प्लीज रुके, आप लोग रुके सर। राघव, मैं तुम मुझसे अवार्ड फंक्शन में आने का वादा किया था ना? अब राघव, राघव मेरी बात सुन। राघव प्लीज एक मिनट रुक जाओ। राघव मैं जानबूझकर लेट नहीं आई हूँ, मैं निकल ही रही थी कि मंदार को कुछ हो गया है ना। हाँ, वो उसका हाथ जल गया। राघव मेरा यकीन करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा इवेंट मैंने मिस कर दिया। मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। तुम आजकल मंदार के वजह से मेरे को और मेरे से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट काम को इग्नोर कर रहा है। नहीं राघव, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। अम्मा आप ही बताइए ना इसे, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आऊंगी। राघव लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आई बाबा भी बहुत घबरा गए थे, कोई था नहीं घर पे, मंदार का हाथ पूरी तरीके से जल गया, इसलिए मुझे डॉक्टर को लेने जाना पड़ा। तुम ऐसा टाइम के लिए मोबाइल का इन्वेंशन किया है ना, एक कॉल कर सकता था ना, क्या हुआ? हाँ, वो पता नहीं, वो सारी गड़बड़ में मेरे दिमाग से ही उतर गया कि फंटास्टिक। सुन रहा है ना अम्मा, मेरा वाइफ का दिमाग से उसका हस्बैंड का एक इंपॉर्टेंट इवेंट स्लिप हो गया, उसे याद ही नहीं मेरे बारे में। वो देशमुख हाउस और उस मंदार का ड्यूटी करते करते अपना रियल फैमिली को भूलना मत। हमारा एक रिलेशन है, हमारा एक फैमिली है, और तुम्हारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसके तरफ। तुम्हारा एक्स हस्बैंड के पीछे भागते भागते अपना प्यार और रियल हस्बैंड को भूलना मत। तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं जानबूझकर यहाँ नहीं है, मैं तुम्हें भूल रही हूँ, ये कहना चाहते हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस तुमको रियलिटी दिखा रहा हूँ, वो सच जो मेरे टॉलरेंस लेवल के ऊपर जा रहा है। मंदार का हाथ बहुत जल गया है ना? हाँ, इतने बुरे तरीके से कि वो बेचारा बेड से उठ भी नहीं पा रहा है। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? कौन? मंदार। मंदार यहाँ? मंदार
मंदार यहाँ तो? अभी तो यहाँ खड़ा था, वहाँ गार्ड के पीछे था वो। कोई नहीं है यहाँ पर राघव, सिर्फ वो गार्ड खड़ा है। तुमको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा है? नहीं राघव, मैं बस ये कह रही हूँ कि शायद तुम्हें वहम हो गया होगा। ये मेरा वहम है, मैं इमेजिन कर रहा है, मैं पागल हो गया क्या? नहीं, मेरे बोलने का मतलब वो तुम पहली बार मेरे को निराश किया है पल्लवी। मुझे अभी फौरन घर पहुंचना होगा। देख लिया स्यापा, चल जल्दी चलो। चल चल। तभी पल्लवी टाइम पे पहुंचे भी या नहीं, मैं क्या करूं? वहीनी मैं क्या कहती हूँ, मंदार के लिए हम खिचड़ी लगा देते हैं, सही रहेगा। हाँ मैं लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। मेरी बात तो सुन तू। तू काका, लेकिन मैं एक मिनट देख लेती हूँ। मिलिन, ये इसे ऊपर क्यों चली गई? मंदार तो यही है। फिर राघव वहां से गुस्से में चला गया। अब काका, मंदार तो अपने रूम में ही है। हाँ, वो तो बहुत देर से सो रहा है, क्यों क्या हुआ? मंदार कहीं बाहर गया था क्या? नहीं तो, डॉक्टर रबिया उसे नींद का इंजेक्शन देकर गई है, अब तो वो कल सुबह सीधे उठेगा। फिर राघव ने किसे देखा होगा? अरे राघव को वहम हुआ होगा, वैसे वो इतना गुस्से में था, हो सकता है उसने किसी और को देखा और मंदार समझ बैठा हो। काका, लेकिन मुझे राघव से सब कुछ बात करके क्लियर करना होगा। आई, मैं अभी आई, राघव से सब कुछ सॉर्ट करके। हाँ तू जा, मैं भी चलता हूँ। चल। क्यों अम्मा, क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा? क्यों आज तक उसका हर प्रॉमिस, हर बात मेरे को झूठा लग रहा है? क्या भी उसका लाइफ में मेरा कोई वैल्यू नहीं है? इसलिए बोला था मैं कि मेरे को कहीं नहीं जाना, पर आप बोला कि वो मेरे को अवार्ड देगा, वो अवार्ड फंक्शन को आएगा। आया क्या? नहीं ना। क्यों दिखा मेरे का झूठा सपना? क्यों अम्मा, क्यों बढ़ा मेरा उम्मीद? अभी उम्मीद इतना टूट के चुभ रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अम्मा। मैं क्या बोले राघव, मेरे को तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं पल्लवी वादा करके काहे को नहीं आया। मैं अम्मा, उस लड़की को किसी भी बात की कोई कदर नहीं है। जब वो अपने बाबा से दुकान के बारे में झूठ बोल सकती है, मुझसे गलत काम करवा सकती है, तो आप लोगों को बेवकूफ बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक नंबर की झूठी औरत है, सिर्फ अपने फायदे का ही देखती है। उसने भाई से शादी भी सिर्फ पैसों के लिए की है। और तुम देखना, वो तुम्हें लूट कर कब गायब हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वो पल अम्मा, वो राघव। वही, रुको पल्लवी। राघव को तुमसे नहीं मिलना, वो ऑलरेडी गुस्से में है, उसका गुस्सा और मत बढ़ा। जाओ यहां से। कीर्ति, तुम्हारी पर्सनल भड़ास निकालने के लिए। कीर्ति ठीक बोल रहा है।
अम्मा राघव इस हालत में नहीं है कि वो किसी से मिल सके, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं पल्लवी, इसलिए अभी के लिए तुम जाओ पल्लवी। लेकिन अम्मा तुमने सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा, जाओ यहां से। अम्मा मेरी बात तो राघव का गुस्सा तू जानती है, उसे शांत होने दे, फिर बात कर लेना। लेकिन काका कीर्ति की हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने की? ये मेरा भी घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ आऊंगी, मैं जब चाहूँ अपने पति से मिलूंगी, वो होती कौन है मुझे रोकने वाली? मैं जानता हूँ बेटा, देख लेकिन गुस्से में ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि बाद में पछताना पड़े। मेरी बात मान, अभी घर चल, बाद में आके बात कर लेना। लेकिन काका मैं पल्लवी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना। कोई था नहीं घर पे, मंदार का हाथ पूरी तरीके से जल गया, इसलिए मुझे डॉक्टर को लेने जाना पड़ा। तुम ये राघव कहाँ है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? पल्लू ले बेटा खाना खा ले, शाम से कुछ नहीं खाया तूने, खा ले। नहीं आई, पहले मुझे राघव से बात करनी है, पता नहीं उसका फोन ही नहीं लग रहा है। देख मैं तेरी राघव से बात करवाऊंगी, अगर आज फोन नहीं लगा तो कल हम घर जाएंगे, तू अब खाना खा ले चल। ए भला मैं राघव रहा आ गया मैं तुमको लेने को, आ रहा। तुमने मेरे को बताया था ना? क्या? हाँ, तुमको लेने आए, पति का फर्ज निभाए। हाँ, देखो, मैं आज अपना फर्ज निभा रहा है, तुमको लेने को आया है मैं। आज तुमने मेरा भरोसा ट्रस्ट तोड़ दिया है, फिर भी तुम्हारा राघव दीप पल्लवी राघव राव को लेने आया है। I love you, Pallavi. చాలా 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 ప్రేమిస్తున్నాను. ఎంత అంటే చెప్పలేని ప్రేమ, అంతగా ప్రేమిస్తున్నాను నిన్ను. अरे मर जाएगा राघव तुम्हारे बिना, ये घमंडी राव उसका सारी का दुकान के बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ए पल्लवी तुम जानता है ना, तुम मेरे लाइफ का वो सच है जो कभी सपना हुआ करता था, बहुत मुश्किल से ये सपना सच हो गया, अब मैं इसे खो नहीं सकता, खो नहीं सकता पल्लवी। इधर इधर दर्द होता है पल्लवी बहुत, अब मैं इसे खो नहीं सकता, अब मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा पल्लवी। बारा पल्लवी राघव
बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? दरवाजे पे ताला क्यों लगा रहे हैं? तुमने वचन दिया था ना मुझे, जब तक मंदार ठीक नहीं होता तू यहाँ से नहीं जाएगी। हाँ बाबा, पर अभी मेरा पति मुझसे मिलने आया, मुझे उससे मिलना, मुझे चाबी दीजिए। मेरे जीते जी तू आज ये तहलीज नहीं लांघेगी। ऐसा नहीं आएगा ना, ठीक है? मैं पास तक गिनेगा और तब तक तुम बाहर नहीं आना। मैं क्या करेगा मेरे को भी नहीं मालूम। मैं गिनती शुरू कर रहा है। वन। बाबा मुझे मुझे सिर्फ राघव से मिलना है, मैं उसके साथ कहीं नहीं जा रही, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है। आप मुझे चाबी दीजिए। मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो जबरदस्ती तुझे यहाँ से ले गया और वापस नहीं आने दिया। तो तब की तब देख लेंगे, आप चाबी दीजिए। नहीं, मैं पल्लवी को आज यहां से नहीं जाने दूंगा। दादा ये क्या बचपना है, हटिए सामने से। राघव बाहर नशे में है, वो कुछ भी कर सकता है, मैं रिस्क नहीं लूंगा। 5। बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे चाबी दे दीजिए, मुझे राघव के पास जाना है। इनका दिमाग खराब हो गया, ये ऐसे नहीं मानेंगी। दिमाग सो गया है क्या? चाबी दे दीजिए। नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी दे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाबी नहीं दूंगा। शारदा का पति बाहर है, चाबी दे। मेरे बेटे का क्या? मैं यहाँ बाहर मर रहा और तुम बाहर झांकने तक नहीं आए। बोला भी क्या मेरा वैल्यू तुम्हारा लाइफ में इतना ही है क्या? तुम एक नंबर का धोखेबाज है पल्लवी, झूठा है तुम। अच्छा बदला ले रहा है तू मेरे से? मैंने तुमको तुम्हारा लाइफ में बहुत दर्द दिया ना, तुमको बहुत परेशान किया ना, है ना? वेरी गुड पल्लवी दे। घर चलो, घर चल के बात करते हैं। फरहाद रुक, अन्ना मेरे को मेरा पल्लवी से बात करना है। नहीं फरहाद, अन्ना घर चलिए। सुनो, मैं तुम्हारा भाभी से बिना बात किए कैसा जाएगा? मेरे को पल्लवी से बात करना है। अन्ना चलिए आप। पल्लवी दरवाजा खोलो। अन्ना चलिए दरवाजा खोलो। पल्लवी मेरे को तुमसे बात करना है। चलिए अन्ना बाहर आओ। पल्लवी अन्ना घर चलिए आप। नहीं फरहाद, मेरे को पल्लवी से बात करना है। बैठिए आप। पल्लवी चलो ड्राइवर। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।